जय श्री सीताराम। आप यह गौ माता के दर्शन कर रहे हैं। यह देखिए गौ माता के शरीर पर कितने स्पॉट हैं। यह स्पॉट वही लिम्पी नामक रोग है जो गौ माताओं को इन स्थितियों में पहुंचा रहा है, जहां उनकी बॉडी में इतने भयानक और भयंकर घाव छोड़ रहा है, जिससे वे अपने प्राणों को भी त्याग रही हैं। हमारे परम गौभक्त परम पूजनीय श्री गोपेश कृष्णदास जी महाराज द्वारा ऐसी गौ माताएँ जिनको लोगों ने ये रोग होते ही रोड पर छोड़ दिया, या जो पहले से ही रोड पर हैं उनको ये जब बीमारी लगी तो हमारे बाबा द्वारा यमुना किनारे आइसोलेशन सेंटर तैयार किए गए, जिनमें पूरे भारतवर्ष के गौरक्षक को बुलाया गया और यहाँ बुला करके उनकी लगातार इलाज किया जा रहा है, सेवा की जा रही है। बाबा कहते हैं कि यदि हम ऐसी गौ माताओं की सेवा करें जो इन परिस्थितियों में हैं, तो इस सेवा का फल हमारे ठाकुर जी हमें अवश्य प्रदान करते हैं। सेवा करना केवल इसलिए नहीं कि हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, केवल इसलिए कि यदि प्रभु की प्राप्ति चाहिए तो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए आप यदि गौवंश की सेवा कर देते हैं, जिसमें भी ऐसा गौवंश जो आज इस भयानक बीमारी से लड़ रहा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा शरीर छलनी हुआ पड़ा है इनका लिम्पी से। आज हम सभी थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दें तो शायद यह गौ माता भी बच जाएं और हमें परम पिता परमेश्वर का चरणों में स्थान भी प्राप्त हो जाए। ठाकुर जी हम सभी पे ऐसी कृपा कर जाएं। हम मानव सदैव अपने लिए सोचते हैं, हमें अपनी गौ माता के लिए सदैव सोचना चाहिए। गौ माता के लिए सोचने से प्रभु हमारे हो जाते हैं, भगवान हमारे अपने होकर के हमारी छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान तुरंत करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इन गौ माताओं की सेवा के लिए आप आगे आएं और श्री गोपेश बाबा से अवश्य मिलें। जय गौ माता।